लेडीज की नुमाइंदगी कर रही हैं, वरना मुशायरे में कभी पहले ऐसे का समान नहीं होता था कि इतनी इतने मर्दों में खवातीन का आके बैठ जाना। एक मतलब भरपूर तालियां तमाम यहाँ पर मौजूद खवातीन के लिए। मैं मोहतरमा मिशाल मलिक साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना कलाम सुनाए। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा। सबको मेरी तरफ से इस्लामी मोहब्बत इस्लामी अकीदत आप लोग इतना वक्त देते हैं और ऐसे तकरीबात के लिए। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि लैया की धरती में बड़े बड़े शोरा तारीख ने रकम किए हैं, नसीब लैया हैं ख्याल अमरोही साहब, ऐसे ऐसे नाम जिन्हें तारीख कभी भी नहीं भूल सकती। तो लैया की धरती बड़ी दरखेज है। यहाँ पर बस थोड़ा सा अगर आप हौसला अफजाई करें तो बहुत अच्छे शोरा कराम हैं जो बहुत आगे तक जा सकते हैं, जो लैया की पहचान बन सकते हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि मुंशी मंजूर साहब से मेरा एक मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था आज से कुछ साल पहले, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी अप्रिशिएट हुई थी। वो लैया का एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो कलाम खसूसन जो उन्होंने अताउल्लाह साहब के लिए लिखा, दुखी करके टूट गया है, यकीन सबने सुना होगा और सबकी समातों को बहुत ज़्यादा कभी वो तकलीफ में ले जाता है, तो उनका कलाम को हम भूल नहीं सकते। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं बदन बदन नाम नहीं ले सकती। मैं आज स्टेज पर हूँ और क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी शायरा तो हूँ नहीं, अपने दिल की बातें लिख देती हूँ, उसको मैं किसी शायर को दिखाती भी नहीं हूँ और ऐसे ही आपको आगे सुना देती हूँ। यकीनन आप बोल भी होते होंगे लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छा लिखूँ। तो उस्ताद तो मेरा कोई है नहीं और उस्ताद मेरा शायद कोई बनना भी नहीं चाहता, तो वक्त मिला तो कोई उस्ताद भी रखूँगी और अच्छी शायरी करूँगी। तो अपने दिल की आवाज़ सुनाती हूँ, आपको पसंद आए तो आपका शुक्रिया, ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं, हम सुनाते रहेंगे। और यहाँ पे स्टेज पे आज खालिद उद्दीन शानी साहब, मखमूर कलंदरी साहब जनाब, बड़े बड़े हमारे लैया के नाम पर लोग बैठे हैं। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं फरहत अब्बास शाह की शायरी बहुत शौक से पढ़ती थी। प्रवीण शाकिर साहिबा, फरहत अब्बास शाह साहब, उनकी मेरे पास इतनी किताबें हैं कि अभी मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा ये तो वही है ना जो वो किताब में है। मैंने कहा जी बेटा वही है। और आज में मेरा ये एहसास है कि मैं उनके सामने अपना थोड़ा सा कलाम पेश करूँगी। तो उनका एक शेर जो मुझे अपनी ज़िंदगी की और बहुत सी चीज़ों की अक्कासी करता नज़र आता है, उन्होंने एक उनकी शायद गज़ल है, उनकी वैसे तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं यकीनन 40-50 के लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, माशाल्लाह 50 तक तो मैंने सुनी थी, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि ढंग से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बसेर से जब ये ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अभी तक कर रहे हैं। तो उनका एक शेर है, इसी से जान गया कि वक्त ढलने लगे, इसी से जान गया कि वक्त ढलने लगे, मैं थक के छाँवों में बैठा तो पेड़ चलने लगे। सबको जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो थोड़ा सा कलाम पेश करूंगी। जिशान के लिए मैंने ऐसे चंद अल्फाज लिखे थे तो स्टेज पे कहना चाहूंगी। आज थोड़ा सा वक्त लूंगी आपसे, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुम मोहब्बत नवाज लड़के हो जिशान, आपके नाम बहुत कम उम्री में बहुत से अच्छे दोस्त बना लिए, बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए। इनके वालिद साहब की तरफ से इन्हें ये जो मोहब्बत है ना ये विरसे में मिली है। मुंशी साहब से मैं मिली हूँ तो बहुत शानदार शख्सियत है, बहुत अल्लाह ताला की जवाब रहमत करके। तो मैं इसके लिए मैंने लिखा है निशान के लिए, निशान आपके लिए कुछ लिखा है मैंने, मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि आपने लैया को इतने बड़े महाफिल लेना आप शुरू कर दिए। आप मुझे लगता है कि लैया एक बार अदब का एक बहुत बड़ा घर बन जाएगा, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तुम मोहब्बत नवाज लड़के हो, तुम मोहब्बत नवाज लड़के हो, तुम मोहब्बत को आम कर देना, तुम मोहब्बत नवाज लड़के हो, तुम मोहब्बत को आम कर देना।
देना। मेरे शहर के तुम शहजादे हो, तुम वफाओं को आम कर देना। मेरे शहर के तुम शहजादे हो, तुम वफाओं को आम कर देना। बोझ रिश्तों का तुम उठाते हो, बोझ रिश्तों का तुम उठाते हो और मोहब्बत शुमार करते हो। बोझ रिश्तों का तुम उठाते हो और मोहब्बत शुमार करते हो। तुम तो सबसे प्यार करते हो, तुम तो सबसे प्यार करते हो, चारों दिन निसार करते हो। तुम वफाओं का राज करते हो, तुम वफाओं का राज लिखते हो, तुम सजाओं की ताज लिखते हो। सुनो तुम जब भी जा जवानी लिखना, जरा कहानी से हट कर लिखना। उम्र तेरी से तो बड़े थे वो, जो दुख तूने उठाए हैं। अब न ये कहानी लिखना, जा बतानी ये भी लिखना, एक निशानी ये भी लिखना, दुख की कहानी ये भी लिखना। तुम मोहब्बत नाराज लड़के हो, तुम मोहब्बत को आम कर देना, तुम मोहब्बत को आम कर देना। ये गजल पेश करती हूँ। थोड़ा घबरा के मुस्कुराए हो, थोड़ा घबरा के मुस्कुराए हो, सच बताओ कहाँ से आए हो, सच बताओ कहाँ से आए हो। खाते बिस्किट न पीते चाय हो, खाते बिस्किट न पीते चाय हो। क्या वजह है आज मेरे पास, क्या वजह है आज मेरे पास। खाते बिस्किट न पीते चाय हो, आज ले जा भी बदला बदला है, आज ले जा भी बदला बदला है। आज गजरे का फूल लाए हो, आज ले जा भी बदला बदला है। आज गजरे न फूल लाए हो, कौन सा रंग आज पहनू में, कौन सा रंग आज पहनू में। देते मुझको न कोई लाए हो, कौन सा रंग आज पहनू में। देते मुझको न कोई लाए हो, चश्मे बतूल भी नहीं कहते, चश्मे बतूल भी नहीं कहते। गीत कोई ना गुनगुनाए हो, गीत कोई ना गुनगुनाए हो। लग रहा है मिशी को ऐसे, लग रहा है मिशी को ऐसे, दिल में बैठे कोई बसाए हो, दिल में बैठे कोई बसाए हो। एक मेरी बचपन की अकासी करती एक नजम पेश करूंगी, उसके बाद इजाजत चाहूंगी। दौर सुहाने याद आते हैं, दौर सुहाने याद आते हैं, वक्त पुराने याद आते हैं। दौर सुहाने याद आते हैं, वक्त पुराने याद आते हैं। माँ की ममता बाबा की झिड़की, माँ की ममता बाबा की झिड़की। भाई का रो बहनों की चाहत, छुप छुप के हंसना और जोर से रोना। बचपन में इंसान जब रोता है ना तो छुपता है, ऐसे वो जब हंसता है रोता है वो किसी के सामने वो अपनी हर चीज को एक्सपोज कर देता है। अब तो हम बैठे होते हैं कि पर्दा डाल दें, अगर हम रो रहे हैं, गमजदा हैं, तो उसे हम बता नहीं सकते। छुप छुप के हंसना और जोर से रोना, जोर जोर से रो लेते थे। बचपन के जमाने याद आते हैं, स्कूल की छुट्टी चेहरे की वो रौनक, स्कूल की छुट्टी चेहरे की वो रौनक। बिस्तर में दबकना और बात न करना, बिस्तर में दबकना और बात न करना। बस खांसते रहना और मुंह मुंह करना, बस खांसते रहना और मुंह मुंह करना, बस खांसते रहना और मुंह मुंह करना। तबीयत की नसाती, वो सारे बहाने अब याद आते हैं, वो सारे बहाने अब याद आते हैं। हमारे घर में एक बेरी थी, तो उसमें भी मैंने अपनी यादों को महफूज किया है। बेरी का वो पकना, शमशब बेरी का वो पकना और शोर मचाना, बेरी का वो पकना और शोर मचाना। गुलैब के निशाने बड़े याद आते हैं, गुलैब के निशाने बड़े याद आते हैं। अम्मा का वो हंसना, अम्मा का वो हंसना, बाबा का मुस्काना, वो जिंदा जमाने बड़े याद आते हैं। वो जून की गर्मी और खेलते रहना। साइकिल के जमाने बड़े याद आते हैं, साइकिल के जमाने बड़े याद आते हैं। उस वक्त हमारे पास साइकिल भी बड़ी मुश्किल से होती थी, तो हम सारा
बड़ा काम समझते थे और बड़ी दलेरी समझते थे। क्या खूब था बचपन, क्या खूब था बचपन, क्या खूब थी रौनक, क्या खूब था बचपन, क्या खूब थी रौनक। वो सारे जमाने अब याद आते हैं, अब ना वो बचपन है, ना वो बातें, ना वो दिन है, ना वो रातें। एक याद की माला है जो अनमोल बहुत है, एक याद की माला है जो अनमोल बहुत है। अब यही असासा है, अब यही विरासत है, अब यही जमीने हैं, अब यही खजाना है, बस यही हकीकत है, बस यही फसाना है। पर किससे पुराने से बड़े याद आते हैं, बचपन के जमाने बड़े याद आते हैं, वो दौर सुहाने बड़े याद आते हैं।